आज मैं एक बात बता रही हूँ आपके सामने जो मैंने कभी बोली ही नहीं। 1974 में जब अम्मा मुझे महल में ले गई, मैं तो अम्मा से मिलने लगी थी 69 में ही, जब मैं 8 साल की, लेकिन 1974 में मेरी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई, तो उनके साथ भोजन करने अम्मा का मतलब समझते हो ना, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, तो मुझे जब वो ले गई तो वहां एक बहुत सुंदर तस्वीर लगी थी 4 साल के बच्चे की। मैंने पूछा कि माँ ये कौन है, उन्होंने कहा ये मेरा नाती है। तभी से ज्योतिरादित्य मेरे दिल में वैसे बस गए थे जैसे यशोदा के हृदय में नंदलाल बस गए। भले ही उम्र का अंतर 11 साल का है, लेकिन मेरे हृदय में वैसे ही बैठे हैं जैसे माँ के हृदय में बेटा बैठा होता है। वंश में तभी से मेरा उनके प्रति बहुत आशीर्वाद रहता है, और उन्हीं के कारण ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा, और उन्हीं के कारण ना पहले उन्हीं के कारण हुआ, उन्हीं के कारण हुआ कि हमें यहाँ सबसे कम सीटें आई, पूरे रिकॉर्ड की सबसे कम सीटें आई, और उन्हीं के कारण अंत में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी। अब आप कहोगे कि जब मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस का सूपड़ा भाजपा का सूपड़ा साफ हुआ उनके कारण, मैं इसको फायदे की बात मानती हूँ, क्योंकि एक जोर का झटका धीरे से लगा भाजपा को, और वो लगना थोड़ा जरूरी था। उसके दो कारण थे, एक हमारा घमंड टूटा, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि जनता हमारे पट्टे पे लिखी हुई है, दूसरा आपको शिवराज जी से भेजे प्यार हो गया कमलनाथ जी के कारण, आपको लगने लगा, क्योंकि पहले लगता था भले ठीक है बने रहेंगे, अभी और बने रहेंगे, लेकिन जब आपने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना हुआ देखा तो आपको लगा कि शिवराज जी कितने अच्छे थे, अपने आप लगने लगा। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, जब कोई चीज खो जाती है तो उसकी कीमत पता लगती है। शिवराज जी घर घर में, हर घर के आंगन में बस गए थे, और इसलिए जब शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो ऐसे लगता था हमारे आंगन से कोई हमारा बहुत निजी व्यक्ति चला गया हो, और इसलिए मैं ज्योतिरादित्य जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगी कि उनकी बदौलत दोबारा शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज गिरिराज बोल रहा था, ये मुझे अपना ही जैसा लगता है, मोटा दिल का भोला हा? और ऐसा ही मेरा कमलेश, आज उन्हें बहुत अच्छा बोला। आपको मैं बताऊं, कोई पंच की कुर्सी नहीं छोड़ता, इनने विधायक की छोड़ी है, बहुत बड़ी रिस्क ली है, और ये रिस्क इसलिए ली है ताकि शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये कमलनाथ जी के साथ थे, विधायक थे, ज्योतिरादित्य जी भी थे, लेकिन कमलनाथ जी ने चुनाव में जो वायदे कर दिए भारी भरकम, उसका कारण यह था कि शायद उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनकी सरकार बन जाएगी, और फिर वो उसको संभाल नहीं सके, वायदे पूरे नहीं कर सके। इसका परिणाम आया कि ये दोनों जनता के सामने खड़े नहीं हो सके। आपको खुद पता होगा ये खड़े नहीं हो पा रहे थे जब तक कांग्रेस की सरकार थी आपके सामने, ये खड़े नहीं हो सकते थे। इन्हें अपनी पीड़ा ज्योतिरादित्य जी को बताई, और ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि मुझे जनता की इच्छा को पूरा करने के लिए सड़क पर आना पड़ेगा, तो कमलनाथ ने चुनौती देके कहा कि आ जाओ सड़क पर। तब ज्योतिरादित्य ने कहा कि फिर मैं शिवराज को कुर्सी पर बिठाऊंगा और तुम्हें सड़क पर लाऊंगा। अब हमें प्रदेश के विकास की धारा को जोर से बहाने की तैयारी करनी है। कमलनाथ जी कहते हैं पैसा नहीं था, शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ बैठे, मनमोहन सिंह जी की 10 साल यहाँ पर सरकार रही, उस समय पर मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, पैसा लेने के तरीके होने चाहिए, पैसा केंद्र से भी आता है और राज्य का राजस्व भी होता है, उसको मिलाकर के लोगों तक पहुंचाने की तरकीब होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए, तब जाकर के लोगों के काम हो पाते हैं, और इसलिए बहाना कभी नहीं बनाना चाहिए कि पैसे नहीं है। शिवराज जी ने बहाना कभी नहीं बनाया, जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उसी दिन से विकास की गंगा बह रही है, कभी कमी का कोना नहीं बोला है, क्योंकि तरकीब है, सूझबूझ है, लोगों के लिए पीड़ा है, और इसलिए अब एक नए शिवराज का उदय हुआ है। अब की बात का जो शिवराज है वो जन आकांक्षा से उसने जन्म लिया है, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार देख करके लोगों की समझ में आ गया था कि शिवराज कितने अच्छे थे। इसलिए मैंने कहा है कि जोर का झटका धीरे से लगा, लेकिन लगना जरूरी था। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक बात कहूंगी जो यहाँ पर मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा, आपने 1.5 साल कमलनाथ की सरकार भुगती है और लोगों को भुगतते देखा है, ये दोनों जब यहाँ से जीत के जाएंगे
और आप उनके लिए पसीना बहा करके काम करेंगे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी के पाए मजबूत होंगे और इसी से आप लोगों के बीच में खड़े होकर के लोगों की सेवा कर सकेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। आज भोपाल में एक प्रदर्शन हुआ, वो प्रदर्शन बहुत शर्मनाक है। मैं कमलनाथ जी से उसका जवाब मांगना चाहती हूँ, सोनिया गांधी जी से उसका जवाब मांगना चाहती हूँ कि कांग्रेस के विधायक ने आतंक के समर्थन में जुलूस निकाला है। आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कमलनाथ जी को भी और सोनिया गांधी जी को भी। हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी। वो जब लोग मुझसे पाकिस्तान या चीन पे बोलने के लिए कहते हैं, खास करके मीडिया के लोग, तो मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये हमारा विषय नहीं हो सकता। लेकिन एक विषय हमारा है और वो मैं जरूर बोलूंगी, और वो ये है कि सीमा के उस पार हो, सीमा पर हो या सीमा के अंदर भारत में हो, ये देश पूरी तरह से मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। लोगों की रोटी भी सुरक्षित है, लोगों की जिंदगी भी सुरक्षित है और ये पूरे देश का सम्मान भी सुरक्षित है। मोदी ने बहुत सारी चीजें इस देश को दी है, रोटी दी, रोजगार दिया, और रामलला के सामने तो आपने उनको साष्टांग लेटे हुए देखा, 370 हटाई, कितना कुछ दिया। लेकिन अगर आप मुझसे एक शब्द में पूछेंगे कि मोदी जी ने हमको क्या दिया, तो मैं कहूंगी कि मोदी जी ने हमको हिंदुस्तानी होने का गौरव प्रदान किया है, हमको गर्व प्रदान किया है। और इसलिए कोरोना के इस काल में जब मेरे भाई शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, ये बहुत कठिन काल था, उनको खुद भी कोरोना हो गया था, और उसमें भी जिस प्रकार से किसानों के वायदे पूरे हुए, जिस प्रकार से विकास की गंगा बहाई गई, जो स्थितियां मध्य प्रदेश की बनी, मैं उनको देखती रह गई इस समय पर, और मुझे लगा कि जितनी तपस्या से मैंने सरकार बनाई थी उससे भी कहीं ज्यादा तपस्या से शिवराज सिंह जी सरकार को चला रहे हैं। और इसलिए आज मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगी कि अब आगे की एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब राम राज्य के निर्माण की तैयारी होने वाली है। राम राज्य के निर्माण का मतलब है जहां सबको इज्जत की जिंदगी और दो टाइम की रोटी ठीक से सुख से खाने के लिए मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान ही इस मध्य प्रदेश की धरती से इसकी शुरुआत करेंगे। जब अमीर और गरीब के बीच का अंतर मिटेगा, जब हर एक को दो टाइम की सुख की रोटी होगी और इज्जत की जिंदगी जीने को मिलेगी। राम मंदिर पे भव्य मंदिर बना होगा, वो राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। तो राम राज्य का प्रतीक क्या है, लोग मुझको पूछते हैं, राम राज्य का सिंबल क्या है? अगर राम की जन्मभूमि पर बना हुआ भव्य मंदिर, जिसके लिए मैंने भी जान की बाजी लगा दी, अगर वो राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, राष्ट्रीय सम्मान का, तो राम राज्य का प्रतीक क्या है? राम राज्य का प्रतीक होगा, अभी तक मैं देखती हूँ गरीब आदमी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी और नेता कुर्सियों पर बैठे होते हैं, राम राज्य का प्रतीक होगा जब गरीब आदमी कुर्सी पर बैठा होगा और कलेक्टर और एसपी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि वो मेरे आका, मैं आपके लिए क्या करूँ। तो राम मंदिर का काम हो गया, अब राम राज्य का काम होगा। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू से कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। विषमता खो गई राम की कृपा से, वो विषमता जो अभी हमें देखने को मिली, जब एक तरफ रेल की पटरियों पर पड़े हुए लोगों की खोपड़ियां कुचल गई, जब रास्ते में डिलीवरी हो गई, लू के थपेड़ों में बच्चों के हाथ पकड़े हुए सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चले, और दूसरी तरफ अमीर घरों के लोगों ने अपने कुत्तों को हवाई जहाजों से भेजा, ये इस देश के देखने को मिला, ये हमें पाटना पड़ेगा। हनुमान जी ने रामचंद्र जी को यही कहा था, जल्दी समुद्र पार करिए और चलिए सीता जी को लेने के लिए, नहीं तो ये समुद्र पार करना आसान होगा लेकिन सीता के आंखों से जो आंसुओं की धारा बहेगी उस समुद्र को पार करना कठिन होगा। इसलिए जो गरीब आदमी की आंखों की आंसुओं की धारा है, उस समुद्र को पार करने के लिए बिल्कुल सही समय पर जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, मेरे भाई शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, और मैं ज्योतिरादित्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी। वो एक महान परंपरा के हैं, उनकी दादी ने कभी सत्ता की लालसा नहीं रखी, कभी उनको चाहती तो मुख्यमंत्री बन सकती थी 1990 में, लेकिन वो नहीं बनी, उन्होंने पटवारी को मुख्यमंत्री बनाया। वो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को भी तैयार नहीं होती थी, उनको 2.5 साल जेल में रखा इंदिरा जी ने इमरजेंसी में, पागल स्त्रियों के बीच में, उनको कहा कि लिख करके माफी मांग लो तो निकाल देंगे, तो उस समय पे अम्मा ने कहा कि मर जाऊंगी लेकिन मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी, मैं इमरजेंसी में पूरे समय जेल के अंदर रहूंगी। और ये उनके पोते हैं, उनकी इच्छा थी कि माधवराव जी भारतीय जनता पार्टी में आवे, माधवराव जी तो नहीं आए, आज अम्मा नहीं है, लेकिन अम्मा का पोता भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर से सरकार बनाने की नींव मेरे ज्योतिरादित्य
नित्य जी ने मेरे प्यार में मेरे बहुत प्रिय उन्होंने रखी है, वो जुग जुग जिए, बहुत आगे बढ़े, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे अपील करती हूँ कि 3 तारीख को कमल का बटन दबाइए और प्रचंड मतों के साथ मेरे दोनों भाइयों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मैं कहूंगी, अगर यहाँ से एक भी कार्यकर्ता ने कमल के बटन को दबाने के लिए जैसा परिश्रम करना चाहिए वैसा नहीं किया, भारी पाप के भागीदार हो गए। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जैसे तपोवृत्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना और रामलला के सामने काम लेते हुए रामराज्य का संकल्प लिए हुए प्रधानमंत्री के ऊपर कमल के फूलों की बरसात करना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी लोग रात की मेहनत के साथ में लग जाइए। अब मैं इन दोनों का हाथ उठाऊंगी और आपसे मांगूंगी कि 3 मई को प्रचंड मतों से इनको कोई माला है क्या यहाँ पर, नहीं तो शॉल लीजिए। अरे जैसे क्या लीजिए, मैं गिरिराज के गले में जीत का शॉल डालती हूँ, लेकिन जब आप कहेंगे तब डालूंगी। अपने बड़े भैया आदरणीय शिवराज जी से माफी मांगती हूँ, क्योंकि हम थोड़ा जो हेलीकॉप्टर है वो तो पहले हमारा लैंड हो जाए तो हम पहले निकल जाएंगे, और फिर शिवराज जी और आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ज्योतिरादित्य जी फटे उसके, इसलिए मैं शिवराज जी का भाषण प्रारंभ होने से पहले ही मन से निकल जाऊंगी। लेकिन उसके पहले आप उठाइए हाथ, बोलिए भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, राजा रामचंद्र की, बजरंग बली की। 3 तारीख को कमल का बटन दबेगा, शिवराज जी पर आपका आशीर्वाद रहेगा, मोदी जी तक आपका संदेशा जाएगा, गिरिराज और कमलेश भोपाल जीत के पहुंचेंगे। भारत माता की जय जय श्री राम।